नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। वर्ष 2020 तक पूरी होगी चारधाम सड़क परियोजना। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा, बादल फटने या बाढ़ जैसी स्थिति में भी यातायात नहीं रुकेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देहरादून में प्राचार्यों के साथ बैठक की, कहा शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की है जरूरत। उत्तराखंड में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण हुआ लागू। 8 लाख रुपए तक सालाना वार्षिक आय वाले परिवारों के युवाओं को मिलेगा फायदा। और राज्य भर में आज बारिश और बर्फबारी से बड़ी मुश्किलें। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटे में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि चारधाम सड़क परियोजना 2020 तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। उन्होंने आज लोकसभा में प्रश्नकाल में कहा कि चारधाम सड़क परियोजना के तहत बन रहा 889 किलोमीटर लंबा मार्ग ऐसा होगा कि बादल फटने और बाढ़ आने जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी कोई हताहत नहीं होगा और यहाँ यातायात प्रभावित नहीं होगा। पूरे साल लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सड़क मार्ग से आ जा सकते हैं। श्री गडकरी ने भाजपा के रमेश पोखरियाल निशंक के पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि चारधाम परियोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि इसके संबंध में अदालतों में कुछ वाद दायर होने की वजह से परियोजना में देरी हुई है और इसके 2020 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। सरकार ने कहा है कि प्रसार भारती का उद्देश्य राजस्व कमाने की बजाय देश के लोगों की सेवा करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने आज लोकसभा में कहा कि प्रसार भारती के कार्यक्षेत्र में देश की परंपराओं और संस्कृति का संरक्षण प्रमुख है, क्योंकि प्राइवेट प्रसारण चैनल व्यापारिक कारणों से कई कार्यक्रम नहीं दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती अपने कार्यक्रमों में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है। भारत का 99% से ऊपर जो पूरा क्षेत्र है, आबादी है, उसको रेडियो के सिग्नल्स पूरा कवर करते हैं। साथ में टेलीविजन के सिग्नल्स जो अब हैं वो डायरेक्ट टू होम सैटेलाइट ट्रांसमिशन के माध्यम से पूरे भारत का एरिया कवर करते हैं। सेट टॉप बॉक्स के अंदर कुछ एक चैनल्स ऐसी भी हैं जिसमें आप रेडियो को सुन सकते हैं। बदलती टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए अब हमने रेडियो ट्रांसमिशन सारी की सारी भारत की जितनी भी रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो के जो चैनल्स हैं उसको हमने इंटरनेट पर भी प्रोवाइड करा है। तो किसी के पास जो कोई फोन हो तो वो उसके ऊपर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके रेडियो के कार्यक्रम सुन सकते हैं। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने देहरादून में प्राचार्य बैठक में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब शिक्षा व्यवसाय हो गया है। उन्होंने छात्रों को अच्छी शिक्षा देने और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाने की बात कही। श्री भागवत ने कहा कि विकेंद्रित योजना से शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन संभव है। शिक्षक, छात्र और अभिभावकों को मिलकर समस्या के समाधान के लिए योजना बनानी चाहिए। आरएसएस के सरसंघचालक ने कहा कि सरकारी स्कूलों को एनसीईआरटी का 13 वर्ष पुराना पाठ्यक्रम पढ़ाना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने मातृभाषा हिंदी को अपनाने को कहा। श्री भागवत ने कहा कि हम अपनी भाषा में ही अपने भाव सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार की स्मृति स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने श्री हेडगेवार को महान क्रांतिकारी, सामाजिक सद्भाव और प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रबल हिमायती बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके सिद्धांत हमें सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने नागपुर में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री माधव सदाशिव राव गोलवरकर की स्मृति स्थल पर भी पुष्प चक्र अर्पित किया। उन्होंने कहा कि श्री गुरुजी ने अस्पृश्यता के विरुद्ध समरसता की मुहिम चलाई। इसके साथ ही सामाजिक विषमता को दूर करने की शिक्षा दी। वे सर्वधर्म संभाव के प्रतीक थे।
केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया है। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने भी 5 फरवरी को उत्तराखंड लोक सेवा अध्यादेश 2019 लागू कर दिया है। अब प्रदेश में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस तरह गुजरात सरकार के बाद उत्तराखंड देश में दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहाँ आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि अध्यादेश सभी विभागों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। इसका लाभ आर्थिक तौर पर कमजोर उन युवाओं को मिलेगा जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी ने एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई, साथ ही 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने कल भी राज्य में तेज बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में राज्य के मैदानी क्षेत्रों में तेज बारिश और पर्वतीय हिस्सों में तेज बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य सरकार को सावधान रहने और जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तरी पाकिस्तान और राजस्थान में बन रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर भी पड़ सकता है, जिससे तेज बारिश और बर्फबारी की स्थिति बन सकती है। हालांकि शनिवार से मौसम को लेकर कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। चंपावत जिले में सुबह तड़के से हो रही बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में ओले गिरने से ठंड बढ़ गई है। बारिश से निर्माणाधीन ऑल वेदर रोड पर जगह जगह कीचड़ और मलबा गिरने से आवाजाही मुश्किल हो गई है। इसे देखते हुए जिला पुलिस ने यात्रियों को सचेत किया है। पुलिस अधीक्षक धीरेन्द्र गुंजियाल ने बताया कि आपदा कंट्रोल यूनिट और अन्य माध्यमों से लोगों को ऐसे मार्गों पर यात्रा न करने की सलाह दी जा रही है। चंपावत के टनकपुर से लेकर घाट तक का जो एरिया है, इस समय में रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है और बहुत ज्यादा मग डिस्पोजल होना शेष है। बारिश की वजह से काफी दलदल है और सड़कें खराब है। हमने सोशल मीडिया में भी और अपने सभी रास्ते के थानों को बताया है कि इस समय में वाहन जो चल रहे हैं बड़े सावधानी से चले और लोगों से भी अपील की है कि कुछ स्लाइडिंग जोन है, उस स्लाइडिंग जोन पे सतर्कता से चले और वाहनों को अपने सावधानी पूर्वक चलाए। मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर चंपावत जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ ही 12वीं तक के सभी विद्यालय आज बंद रहे। उधर चमोली में भी बारिश और बर्फबारी से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन यहां मौजूद पर्यटक इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। चमोली में बद्रीनाथ, जोशीमठ, औली, भराड़ीसैण, देवाल, फूलों की घाटी, रूपकुंड और हेमकुंड साहिब समेत अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिर रही है। यहां भी 12वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी रही। इसके साथ ही बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार में भी बारिश के चलते ठंड बढ़ गई है। प्रशासन द्वारा सड़क किनारे अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को सर्द मौसम से कुछ राहत मिल सके। उधम सिंह नगर जिला प्रशासन आगामी 14 फरवरी से 16 फरवरी के बीच प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं प्रदेश भाजपा के नेताओं ने भी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में राज्य मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और कुमाऊं कमिश्नर राजीव रौतेला सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने रुद्रपुर में रैली स्थल का निरीक्षण किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री की जनसभा में 1 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। संभावित दौरा 14-15 तारीख में रुद्रपुर में, इसलिए हमारे माननीय मंत्री धन सिंह रावत जी और हम लोग सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से मैदान को देखने के लिए आए हैं कि 14 तारीख या 15 तारीख में अगर हमको तिथि मिल गई तो मैदान की कितनी कैपेसिटी होगी। ये मैदान बहुत बड़ा है जिसमें 2 से 3 लाख लोग इसमें आ सकते हैं, इसलिए इसका निरीक्षण करने के उद्देश्य से और व्यवस्थाओं के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए हैं। रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के लिए एफसीआई गोदाम के सामने के ग्राउंड को चुना गया है। भाजपा नेता अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आज राजभवन में जम्मू कश्मीर राज्य के 20 छात्रों के एक दल से मुलाकात की। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को पढ़ लिख कर अपने गांव, अपने समाज और राष्ट्र की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो युवा किसी प्रलोभन में भटक रहे हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम करना चाहिए।
राज्यपाल ने कहा कि सेना हमारी सुरक्षा और मदद के लिए होती है, हमें सेना को सहयोग देना चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में राज्यपाल ने कहा कि पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए ताकि वे जनता से जुड़े और सरकारी योजनाओं की जानकारी गाँव तक पहुँचा पाए। राज्यपाल से मुलाकात करने वाले सभी छात्र राजौरी जिले के थाना मंडी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के हैं, जो भारतीय सेना द्वारा संचालित ऑपरेशन सद्भावना के तहत उत्तराखंड भ्रमण पर आए हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में करोड़ों की लागत से बनने वाले राज्य औषधि नियंत्रक कार्यालय और प्रयोगशाला का शिलान्यास और कई नई योजनाओं का उद्घाटन किया। प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन का कार्यालय स्वास्थ्य महानिदेशालय भवन में स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि देश में गुजरात के बाद उत्तराखंड दूसरा राज्य है जिसमें NHM का अपना कार्यालय है। साथ ही मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों के लिए प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में 17 ट्रांजिट हॉस्टल, राज्य औषधि संगठन कार्यालय और प्रयोगशाला का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस लैब के बनने से प्रदेश में औषधियों की गुणवत्ता का सही परीक्षण हो सकेगा, जिससे मरीजों को बेहतर दवाइयां और कॉस्मेटिक का सामान आसानी से मिल सकेगा। उन्होंने लैब को तय समय के अंदर तैयार करने के निर्देश दिए। पेशेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं या फार्मा के जो कारोबारी हैं, उनको भी अच्छी औषधियाँ, औषधियाँ तो अच्छी होंगी लेकिन प्रमाणित करने में और अच्छा उनको महसूस होगा, तो उससे हमारी जो गुणवत्ता है उसमें और सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं के लाइसेंस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य औषधि संगठन के कार्यालय भवन और राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के लिए केंद्र सरकार से 14 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है, जिसमें 5 करोड़ रुपए की पहली किश्त मिल चुकी है। केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना को राज्य में लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने ऐसी सभी किसानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि है। सभी जिलों में इस योजना के अंतर्गत आने वाले किसानों को चिन्हित करने और डेटा कलेक्शन का काम शुरू किया जा चुका है। इसी कड़ी में टिहरी की जिलाधिकारी सोनिका ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने किसानों को चिन्हित करने के लिए सभी तहसीलों में उप जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि तत्काल ही कार्य योजना तैयार कर 1 सप्ताह के भीतर पात्र किसानों का चिन्हीकरण और संबंधित पोर्टल में डेटा फीडिंग कार्य पूरा कर लिया जाए। जिले के मुख्य कृषि अधिकारी JP तिवारी ने बताया कि जिले के करीब 95% लघु और सीमांत किसान इस योजना के तहत आते हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वो सभी आते हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसकी पहली किश्त के रूप में प्रत्येक पात्र किसानों को 2,000 रुपए देंगे। बागेश्वर में जिला सेवा योजन कार्यालय और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। मेले में 36 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने जिले के करीब 1400 युवक युवतियों का साक्षात्कार लेकर पात्र लोगों का चयन किया। बारिश के बावजूद भी रोजगार मेले में हजारों युवाओं ने शिरकत की। रोजगार मेले में आए युवा काफी उत्साहित थे। अच्छा एक मसला है क्योंकि इसमें कंपनियां ये कर रही है कि पहले उनको ट्रेनिंग दे रही है, जो एम्प्लॉयमेंट है उनको ट्रेनिंग दे रही है, उसके बाद उनको जॉब प्रोवाइड करेंगी, तो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताकि हमें भी कोई ना कोई यहाँ से जॉब मिल सके। और कोई ना कोई जो हम आशा लेके हुए आए हैं यहाँ पर, को हम चाहते हैं कि यहाँ से हम कोई ना कोई रोजगार अपने लिए ले जाएंगे। बागेश्वर में रोजगार मेले के आयोजन पर विधायक चंदन रामदास ने कहा कि राज्य के साथ ही केंद्र सरकार युवा पीढ़ी को रोजगार के अवसर दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और शिक्षा के बाद बच्चों को रोजगार मिल जाए आज के समय में बहुत बड़ी बात है। ऐसा अवसर बड़े स्तर पर आज बागेश्वर के बच्चों को दिया है। जिला सेवा योजन अधिकारी ने कहा कि रोजगार मेले में हाई स्कूल से लेकर ITI तक सभी ट्रेड के बेरोजगार अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी हासिल कर सकते हैं।
इंजीनियरिंग से और कंपनी हमारे बीच मौजूद हैं और फूड इंडस्ट्री से काफ़ी इंडस्ट्रीज हमारे बीच है, तो निश्चित रूप से उम्मीद है मेले में चयनित युवाओं को नौकरी से पहले प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।